मथुरा जनपद की 14 ग्राम पंचायतें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। इन पंचायतों को 9 विभिन्न श्रेणियों में बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यह पंचायतें गरीबी मुक्त, बाल मैत्री और स्वास्थ्य श्रेणी में विशेष योगदान के लिए पहचानी गई हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार को चयनित मथुरा जनपद की 14 ग्राम पंचायतें 9 बिंदुओं पर बेहतर काम करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित की गई हैं। गरीबी मुक्त बेहतर आजीविका वाली पंचायतों में जैंत, कारव, चूराहसी, स्वस्थ पंचायतों में पानी गांव व अड़िंग, बाल मैत्री पंचायतों में ओल, जैंत, अड़िंग शामिल है। यह टीम उस दौरान संबंधित कैटेगरी में देखेगी कि उक्त पंचायतें पात्र है या नहीं। यदि प्रदेश स्तरीय टीम के सत्यापन में ये ग्राम पंचायतें सही पाई जाती हैं, तो चयनित पंचायतें राष्ट्रीय पुरस्कार की दौड़ में शामिल होंगी। यदि राष्ट्रीय स्तर पर भी चयनित होती हैं, तो प्रथम स्थान पर आने वाली पंचायत को 1.5 करोड़ रुपए, द्वितीय स्थान पर आने वाली पंचायत को 1.25 करोड़ रुपए और तृतीय स्थान पर आने वाली पंचायत को 1 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार से मिलेगी। इसकी तैयारियों के लिए आयोजित बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी मथुरा किरण चौधरी ने सभी ग्राम प्रधान व पंचायत सचिवों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने कैटेगरी से संबंधित कार्यों से संबंधित लेखा जोखा तैयार रखें। जनपद की 14 ग्राम पंचायतें हैं, जैसे जैत है, माटमूला, पानीगांव, अवेरनी, तरौली सुमाली, ऐसी 14 ग्राम पंचायतें हैं जो 9 थीमों पर सेलेक्ट हुई हैं राज्य स्तर पर अभी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। आगे राज्य स्तर से टीमें आ रही हैं, इन पंचायतों में देखेंगी वो यहाँ के काम, यहाँ की कार्यशैली, और पंचायतों में निजी और सरकारी सहभागिता से क्या क्या बदलाव आया है उस पर पूरी जांच पड़ताल करेंगी ये पंचायतें। मो न्यूज़ के लिए जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट।